आमागढ़ प्रकरण में युवा आक्रोश रैली में एकजुटता का नारा। जयपुर में शहीद स्मारक, सांसद किरोड़ीलाल बोले, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आरोप, राजनीतिक स्वार्थ के लिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने व बांटने की हो रही है साजिश। जयपुर में आमागढ़ प्रकरण को लेकर शुक्रवार को युवा आक्रोश रैली निकाली गई। दोपहर 1 बजे सांसद किरोड़ीलाल मीणा आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान पहुंचे, वहां से एक बड़ी रैली निकालकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए कूच किया। रैली में मीणा सभा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस रैली में सामाजिक एकजुटता के नारे लगे, साथ ही निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। कमिश्नरेट पहुंचकर रामकेश के खिलाफ एक लिखित शिकायत भी दी गई। रैली में किरोड़ीलाल के साथ भाजपा नेता पंकज मीणा भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर को ज्ञापन देने से पहले किरोड़ीलाल मीणा गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर शहीद स्मारक पर ठहरे। वहां किरोड़ीलाल मीणा ने अपने संबोधन में आवाहन करते हुए कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मीणा ने कहा कि कुछ नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने व बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम भगवा के सम्मान में सड़कों पर उतरे हैं। हमारी सामाजिक व ऐतिहासिक धरोहर पर कब्जे, उनका नाम बदलने की साजिश चल रही है। इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा की सभा में सैकड़ों युवा रहे मौजूद, कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हुई। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग। किरोड़ीलाल मीणा ने सभा में फिर से कहा कि मीणा आदिवासी समाज हिंदू है, हिंदू था और हिंदू ही रहेगा। जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आमागढ़ पहाड़ी पर शिव परिवार की मूर्तियां तोड़ने वाले समाज कंटक है, ऐसे फरार असामाजिक तत्वों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, आमागढ़ हमारी सामाजिक धरोहर है। पुलिस ने यहां से झंडे हटा दिए, ताला लगा दिया, वहां मंदिर में प्रवेश और पूजा पर पाबंदी लगा दी, इसको तत्काल हटाया जाए। साथ ही पिछले दिनों निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा और उसके समर्थकों द्वारा आमागढ़ पर पहुंचकर भगवा ध्वज को हटाने और वहां तोड़फोड़ के मामले में जल्द NSA के तहत गिरफ्तारी की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।